गाड़ फर्जी मीडिया सुधर जाओ। वाओ ये होते कमेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एलविश यादव का न्यूज चैनल वालों के साथ क्या सीन चल रहा है। न्यूज चैनल वाले एलविश यादव के खिलाफ कुछ भी दिखा रहे हैं, मतलब की सब कुछ बेबुनियाद। तो एलविश यादव के स्नेक कंट्रोवर्सी के ऊपर इंडियन न्यूज वाले जानबूझकर और बिना किसी लॉजिक के एलविश यादव के खिलाफ कुछ भी दिखा रहे और कुछ भी बोल रहे हैं। और इस बात का न्यूज रिपोर्टर्स को भी अच्छे से पता है कि वो एलविश यादव के खिलाफ बेबुनियाद चीजें ही दिखा रहे हैं लोगों को, और एलविश यादव की अच्छी खासी इमेज नेगेटिव कर रहे हैं लोगों के सामने। सो रिसेंटली एक न्यूज के अंदर न्यूज रिपोर्टर जब एलविश यादव के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें बता रहे थे तो पीछे से एक न्यूज रिपोर्टर उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है, क्योंकि सच्चाई तो एलविश यादव की सभी को पता ही है। तो इस वाली न्यूज के ऊपर एलविश यादव ने अपने ब्लॉग के अंदर रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि न्यूज वाले कम एक्ट्रेस ज्यादा लग रहे हैं। गाड़ फर्जी मीडिया सुधर जाओ। वाओ ये होते कमेंट, ऐसे कमेंट करते करो, सिंपति मांग रहे हैं, टीआरपी के लिए झूठ बोलोगे। जैसे ही पब्लिक समझदार है, उन्हें पता भूखा हूं। 2:46 पे देखो हंस रही है, एक्टिंग भी नहीं हो रही सही। देखो आग बबूला हो जाते हैं, आपको सहा नहीं जाता, आप ये बोलते हंस रही हंस रही है भाई बंदी, ये वाली बंदी हंस रही है। देखो 2:46 पे अबे सारे सारे एक्टर हैं ये ना, मैं भी माँ कसम किन के साथ ही मजे ले रहा हूँ। ये नहीं सुधरेंगे, इनको मजा आ गया बात करके, मेरे को भी मजा आ गया इनसे बात करके। और वीडियो निकालो मेरे पे, तुम पे 20-21 मिनट की वीडियो निकल रही है, कितने लक्की हो तुम। सब मत करने यार, सब पेन निकालो, इनके साथ मजा आ रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, और इनमें ये लड़की। सो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग एलविश यादव और उन पर लगाए फेक एलिगेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपने पिने नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस आज के लिए बस इतने अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।